चावल की कीमतों में तेजी के बाद बहुत जल्द सरकार गेहूं के निर्यात के बाद चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है। चावल के निर्यात पर रोक का फैसला महंगाई को काबू में लाने के लिए उठाया जा सकता है। जाहिर है कि पिछले कुछ समय में देश में चावल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि चावल की कीमत में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। चावल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी केवल घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह बांग्लादेश भी सामने आया है। दरअसल 22 जून को ही बांग्लादेश ने एक नोटिफिकेशन जारी कर गैर बासमती चावल के आयात को मंजूरी दे दी है। वहीं बांग्लादेश इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ के रेट्स को भी 62.5% से घटाकर 25% कर चुका है। बांग्लादेश के इस फैसले के बाद चावल की कीमतों में तेजी दर्ज हुई है। भारतीय गैर बासमती चावल का रेट $350 प्रति टन से बढ़कर $360 प्रति टन हो गया है। देश के 3 राज्य जिनसे बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को चावल पहुंचाया जाता है उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। इन्हीं 3 राज्यों में चावल की कीमतों में 20% तक का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे राज्य में भी चावल की कीमत में 10% तक का उछाल दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है। बहुत जल्द ही सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। चावल के निर्यात पर बैन लगाने से उन देशों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जो भारत से चावल का आयात करते हैं। इन देशों में नेपाल, चीन, फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस तरह तक की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।